वेरी फनी ब्रो, वेरी फनी ब्रो, नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम लेना प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का? नहीं, अगर वो बोल रही है कि मुझे बच्चन पांडे पे पिक्चर बनानी है तो जाहिर सी बात है ना, पता ही होगा उसको कि कौन है। नहीं, अगर उसने बच्चन पांडे पे मूवी बनाने का डिसीजन लिया है तो जाहिर सी बात है ना, उसने उस पे रिसर्च करी होगी तभी तो डिसीजन लिया। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये तो वही बात हो गई कि कल को राजू हिरानी बोल रहे हैं कि यार मुझे संजू पे पिक्चर बनानी है। बाय द वे, ये संजू है कौन, करता क्या है? चलो भाई, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है वो आप ढूंढने की कोशिश करो, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, और अगर मिल जाती है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलो भाई, जिन्हें मिस्टेक मिल गई उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिन्हें नहीं मिली है उन्हें मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बच्चन पांडे ने एक सर्कुलर डिजाइन वाली अंगूठी मिडल फिंगर में पहन रखी है और एक रेक्टेंगुलर डिजाइन वाली अंगूठी ऊपर वाले फिंगर में पहन रखी है, ठीक है। लेकिन भैया बिल्कुल अगले ही पल अगले ही सेकंड वो जो रेक्टेंगुलर अंगूठी है वो मिडल फिंगर में आ जाती है और जो सर्कुलर अंगूठी है वो ऊपर वाले फिंगर में आ जाती है। बाप रे। नहीं भाई, देख लो, दोनों सीन को साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ, पहले कौन सी अंगूठी कौन से फिंगर में थी और बाद में कौन सी अंगूठी कौन से फिंगर में हो जाती है। थक गया भाई, अंगूठी फिंगर सर्कुलर रेक्टेंगुलर, साला टंग ट्विस्टर हो गया, मुंह से नहीं निकल रहा, इतनी मुश्किल से तो इसकी रिकॉर्डिंग किया हूं मैं। मुझे लगा यहाँ पर ये जो बंदा जल रहा है वो शायद मर चुका है इसीलिए हिल डुल नहीं रहा होगा, लेकिन जिंदा है भाई, मतलब जिंदा आदमी जल रहा है और हिल नहीं रहा। नहीं, अब मुझे कैसे पता चला कि ये जिंदा है? अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बैकग्राउंड में आपको इसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देगी, करके। मतलब जलता हुआ आदमी जिंदा है, जोर जोर से चिल्ला भी रहे लेकिन शरीर में कोई मूवमेंट ही नहीं है। वाह, अबे एक मिनट, यहाँ पर एक जिंदा आदमी जल रहा है और मैं साला इधर बैठ के उसके मजे ले रहा हूँ। सॉरी भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, हर किसी से करता साले की ऐसे खुरे का। नहीं, यहाँ पर ये अरशद भाई इतना डर क्यों रहे, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। मतलब भाई पेंडुलम तो इनको देख भी नहीं रहे। नहीं भैया, पेंडुलम की शक्ल देखो, वो लगातार इसी को ही घूरे जा रहा है, यानी कि वो इसी को ही मारने वाला है, और इधर अरशद भैया बिना मतलब ही डर रहे हैं, और जिसको सच में अभी पढ़ने वाली है उसको भैया कोई खबर ही नहीं है, मस्त बैठ के चिल मार रहे हैं। इस बंदे का सिर कितना मजबूत है भाई, दांत देता हूँ इसके सिर को मैं, मतलब इतना तेज सर दीवार पे मारने पे इसका सर नहीं फूटा तो नहीं फूटा, वो तो एक बात है ही, लेकिन भाई सर दीवार पे मारने पे दीवार पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं भाई, मतलब छोटा मोटा क्रैक भी नहीं है दीवार पे, दीवार ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे आ गया है। नहीं, कोई अलग एक्सरसाइज वगैरह करता है क्या सिर का, जो सिर नहीं फूटा और दीवार टूट गया? अगर करता है तो बता दे भाई। यहाँ पर बच्चन पांडे ने इसे नाक पे मारा था और इसका जबड़ा ही टूट गया। वाह, नहीं भाई, नाक टूटनी चाहिए थी, जबड़ा कहाँ से टूट गया? यहाँ पर स्क्रीन पे एक वायर लगा हुआ है जो कि अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गया और अगले ही पल वापस भी आ गया, और यहाँ कैमरा और स्क्रीन के बीच में एक लाइट भी पड़ा हुआ है जो कि इस वाले एंगल से देखने पे बीच में लाइट होता ही नहीं है भाई। अब यहाँ पे इन दोनों के पीछे ये दो लोग भी है, लेकिन वही जब फोटो में देखते तो पीछे से दोनों गायब भी हो जाते भाई। नहीं, कहाँ गए? यहाँ पर बच्चन पांडे कैसे भी गन को ऊपर नीचे करके गोलियां मारे जा रहे हैं, लेकिन इसकी सभी गोलियां जाकर पेट में ही लग रही है। जिस हिसाब से ये गन को ऊपर नीचे कर रहा है, गोलियों को और भी काफी जगहों में लगनी चाहिए थी। बड़ा हरामी हो बेटा। इतना ही था तो सिर्फ लग गए ही बोल देता भाई, घोड़े बोलने की भी क्या जरूरत थी, उसमें भी समझ आ ही जाता। बात तो सही है। भाई मुझे तो इस बंदे के लिए तरस आ रही है, बेचारे को कितना जोर से लगा होगा। नहीं मतलब भाई, ये मार किधर रहा है, शक्ल इधर है, उसका घूसा उधर जा रहा है। नहीं भाई, मुझे पता है कि शूटिंग चल रही है और रियल में तो नहीं मारते हैं, इसलिए ऐसे मिस्टेक्स को मैं कभी दिखाता भी नहीं हूं। लेकिन भाई यहाँ पे तो लिटरली उसका हाथ साइड में जाता हुआ दिख रहा है बिना स्लो मोशन किए। नहीं भाई, एटलीस्ट घूसा को उसके मुंह के सामने तो ला के रोक, साइड में ही ले जा रहा है भाई। यहाँ पर बच्चन पांडे ने इसके सिर में भयानक तरीके से पत्थर मारा है, इसके सर से खून भी निकल चुका है और अब ये बंदा गिर चुका है, इसका सर फट चुका है, इसकी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन 2 सेकंड में फिर उठ जाता है मारने के लिए। मतलब कमाल है भाई, his dedication to work is amazing, it's fantastic यार, it's mind blowing fantastic। ऋतिक रोशन की आवाज निकालने की नाकाम कोशिश की है अभी मैंने, लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि जैसे ही ये उठता है उठते ही साथ ही से गोली पड़ जाती है। नहीं, क्यों ही उठाओगा भाई, लगी थी ना सर में तेरे को, तो चुपचाप पड़े रहता ना। बच्चन पांडे कार के अंदर से सभी पे गोलियां चला रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन गोलियां चलाने पे ये लाइट क्यों निकल रही है भाई? अभी ये बंदा गोली खा के इसके पैरों पे गिरा था, लेकिन ऊपर के एंगल से देखने पे ये इससे काफी अलग हो जाता है। भैया अगर ये इस तरह से नाच नाच के कैमरा हिला हिला के शूटिंग करेगी ना, फिर तो बन गई इसकी पिक्चर, फिर बाद में जब रिकॉर्डिंग देखने बैठेगी तब इसको कुछ ऐसा फुटेज मिलेगा।
अपनी कमाल की शूटिंग करने के लिए +10 फॉर कृति सनैन बनता ही है भाई। एक तो ये बंदा वैसे ही टेंशन में है, सामने से धोखा मिला इसको और पाजी इसको और मारे ही जा रहे हैं। अरे बख्श दो यार भाई, इसका सूर्यवंशी का हैंगओवर उतरा ही नहीं लग रहा है अभी तक। नहीं, अगर आपने सूर्यवंशी ध्यान से देखी है तो इसका शक्ल देख के लिटरली ऐसा ही लग रहा है कि ये सूर्यवंशी का आतंकवादी है। तो भी अगर आप अभी तक भी पुष्पा मिस्टेक वीडियो नहीं देखे हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो या फिर राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो भाई। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लो और हम मिलते हैं आने वाली एक और RRR वीडियो पे। इस बार पक्का आएगी भाई वीडियो।